अभी निकलने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ऑलरेडी मार्केट फ्लडेड विद द नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज़्यादा लोग हैं मार्केट के अंदर। भाई जगह ही नहीं है, सिक्कर में तो इस टाइम तक लोग सो जाते हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है निकलने का मार्केट में। ये एक मेन रीज़न है जिसके लिए मैं पागल हूँ। जयपुर के अंदर मार्केट पूरा रश से भरा हुआ है और मज़ा आ रहा है। रामगंज के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, मियाबाई का इलाका है, पूरे लोग खचाखच भरे हुए। अब फटाफट चेक करते हैं खाने के आइटम, आ जाओ। पूरा मार्केट भरा हुआ है भाई, निकलने की जगह नहीं है। इस दुकानें माशाल्लाह सजी हुई है। इस टाउन से छोटे टाउन के अंदर लोग सो जाते हैं, लेकिन रामगंज बाज़ार पूरा खचाखच भरा हुआ है। ये बाहर है रौनक है उस महीने की जो रमज़ान है, माशाल्लाह। ये द रीज़न जिसको कहते हैं बरकतों का महीना। ब्लॉग बना रहे भाई, ब्लॉग बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब करो भाई को। अब बोल दो बड़े भाई, भाई को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। रामगंज का बाजार मज़ा आ रहा है। नाइट मार्केट है अभी, इस पर शॉप्स हम देखेंगे। ठुक गया लग गई। चलो कोई नहीं, अल्लाह करीम। निकलो। ये जी मार्केट पूरा खचाखच भरा हुआ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओहो, मार्केट लगा हुआ है माशाल्लाह। हम ढूंढ रहे हैं मौलाना हलवाई को। मौलाना हलवाई कहाँ पर है? मौलाना हलवाई वहाँ पर है। जहाँ पर भी है मौलाना हलवाई भागे नहीं। बिल्कुल, फिलहाल रामगंज का जो सबसे फेमस आउटलेट है हलीम के लिए, अमन भाई का हलीम अमन रेस्टोरेंट रामगंज के अंदर। और ये डेग लगी हुई है, अब जाएंगे सीधा टेस्ट करेंगे हलीम को, खाते और बता दे कैसा है। बहुत नाम सुना है इनका, अमन रेस्टोरेंट 12 महीने मिलता है हलीम, सबसे फेमस हलीम है भाई। चलो टेस्ट करते हैं ये हलीम आज। चलो ले। चल देख बात। जयपुर का सबसे सेलेबल अमन रेस्टोरेंट हलीम के लिए जो फेमस है पूरे जयपुर में सबसे ज़्यादा। भाई भीड़ देखो, ये इनका डेग है जहाँ पे हलीम चल रहा है। ये हलीम में डेग चल रहा है भाई इनका। भाईजान कितने किलो का डेग है ये? 20 किलो की। और तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? तैयार करने में, पकाने में लगता है कम से कम तकरीबन 8 से 10 घंटे। और क्या क्या डालते हैं? पांच तरह की तो दालें होंगी इसमें? नहीं, ज़्यादा है इसमें सर। ज़्यादा है, 52 तरीके का आइटम है इसमें। ओहो, मसाले समेत। ओहो, सही है। तो पर डे कितने देंगे अपने? 8 से 10? 9 देंगे, 9-10। माशाल्लाह। रमज़ान में ज़्यादा या नॉर्मल दिनों में ही है? नहीं, रमजानों में 9-10, बाकी आधे दिन 2 देंगे। और ये पूरे साल मिलता है? पूरे साल हली 12 महीने। और टाइमिंग अपनी? टाइमिंग 2 बजे से रात का, रात के सुबह से रात के 2 बजे तक। रात के 11 बजे तक, सॉरी। और ये अमन रेस्टोरेंट बिरयानी बढ़िया है भाई, बढ़िया। इतना रश मैंने नहीं देखा, दिल्ली में देखा हुआ है, कुरेशी के यहाँ पे। बिल्कुल, और सारे आफ्टर इफ्तार सारे लोग यहाँ पे इत्मीनान से। भाई टेस्ट कैसा लगता है आपको? रेगुलर कस्टमर हो आप? सारे रेगुलर कस्टमर है, जितनी भीड़ लगी हुई है सब हलीम खा रहे हैं माशाल्लाह। ये बरकतों का महीना है, ये देखो, मतलब लगातार सारे यंगस्टर की पसंद है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अलग ही लेवल पे इनका जो हलीम है वो खुद एक फेस्टिवल ही है यहाँ पे। और ये हलीम रेस्टोरेंट हमारे। अस्सलाम वालेकुम। तो रामगंज के अंदर जो सबसे, और मैं तो जयपुर में कहूँगा, जयपुर में जो सबसे फेमस जो नज़र आया मुझे अमन रेस्टोरेंट का हलीम है। तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं सब यहाँ पे आए, अगर नंबर आपका मिले तो बिल्कुल यहाँ पर आए और हलीम गाए इंशाल्लाह।
अमन रेस्टोरेंट है और ये यहाँ पे दो आइटम है, एक तो ये इनकी आ गई जी बिरयानी, जो वाइट पुलाव जो जयपुर की बिरयानी कहते हैं, जो वाइट होती है, हैदराबाद की अलग होती है वाइट पुलाव या वाइट बिरयानी जो जयपुर की स्पेशल है। हैदराबादी में मसाले ज़्यादा आते हैं और ये सिंपल है, इजी डाइजेस्ट होती है और आसानी से बनती है, इसमें अचार भी डलता है। और ये हमारी नारी है, नारी स्पेशल, मतलब यहाँ से मैं अगर रश देखूँ, भाईजान ये बड़े के पाए लग रहे हैं, सारा कंपटीशन चल रहा है, कोई कह रहा है मेरी, कोई कह रहा है मेरी, कोई कह रहा है मेरी तेरी, और ये बिरयानी। तो ये देखिए कब तक चलेगी, पूरी रात शहर तक, चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। छोटे टाउन में तो लोग इस वक्त तो सो जाते हैं, रामगंज के अंदर देखे तैयार हो रही है शहर के लिए माशाल्लाह। तो ये पूरा अमन आउटलेट है भाई, इनके आइटम और सब कुछ देखते हुए मेरे तो पसीने आ गए। ये बड़ा भाई कब से फरमाइश कर रहा है कि मेरी लो मेरी लो। ये अपना क्या आइटम है? नारी है, नारी है, नारी। एक बार थोड़ा बताओ नारी बनती कैसे, लगभग लोगों को नारी में कंफ्यूजन है, कोरमा और नारी एक समझते लोग। नारी में टमाटर ज़्यादा डलता है और सभी प्रकार के आइटम मिलते हैं, गोश्त भी बड़ा गोश्त डलता है वाला। कोरमा से अलग कैसे नारी? पता लग रहा है माशाल्लाह कि जायका कितना मजबूत है, जायका बहुत बढ़िया है अमन का। चलो भाई शुक्रिया आप सबका, जज़ाकअल्लाह खैर। फिलहाल रामगंज का जो सबसे फेमस आउटलेट है हलीम के लिए, अमन भाई का हलीम अमन रेस्टोरेंट रामगंज के अंदर, और ये डेग लगी हुई है। अब जाएंगे सीधा टेस्ट करेंगे हलीम को, खाते और बताते कैसा है। बहुत नाम सुना है इनका अमन रेस्टोरेंट, 12 महीने मिलता है हलीम, सबसे फेमस हलीम है भाई। चलो टेस्ट करते ही है हलीम आज, चलो 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 ले। बड़ी मुश्किल से मिला है, अभी टेस्ट करेंगे हलीम। मस्त है, मस्त सोना है, सोना असली प्योर है, चम्मच नहीं है, हाथ से खा रहे। जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल हलीम है, बस बढ़िया ले रहे। हेलो, मोस्ट सेलेबल हलीम है अमन भाई का, मन कर रहा है जयपुर ही रुक जाऊं मैं। रमजान रमजान तो यहीं के कर लो सारे, ठीक है बढ़िया। जयपुर का दूसरा सेकेंड, जयपुर का जो रामगंज का सबसे ज़्यादा सेलेबल जो स्वीट डेजर्ट के अंदर, जिसका नाम है मौलाना हलवाई, जिनकी बराबर में दो दुकानें मौलाना हलवाई, जो अपने दो खास चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। पहला तो ये जो केसर का दूध है इनका, ये इनका मोस्ट सेलेबल केसर का दूध है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है। कढ़ाई का साइज़ देख के आप देख सकते हो कढ़ाई का साइज़ कितना बड़ा है। दूसरी इनकी जो सबसे ज़्यादा मिठाइयों की वेराइटी और जो जिस चीज़ के लिए ये फेमस है वो है इनके बड़े साइज़ के गुलाब जामुन, मतलब एक पीस 20 रुपए का है। इसके बाद में जो अलग अलग मिठाइयों की वेराइटी है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो मैंने तो इनके गुलाब जामुन 2014 या 15 के आसपास टेस्ट किए होते, तब से मैं तो इनका एक मुरीद ही कह सकते। जो सबसे ज़्यादा सेलेबल मिठाई है वो कौन सी बड़े भाई अपनी, सबसे ज़्यादा जो सेल होती है पर डे? गुलाब जामुन, मतलब अगर पीस में बात करें तो 200-300 या ज़्यादा? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। और दूध? दूध भी आता है 100 किलो, 200 किलो, 200 किलो दूध निकल जाता है पर डे का माशाल्लाह। और अपना दूध हो जाता है 70 किलो, ठीक है। और अपनी अवेलेबिलिटी क्या है, टाइमिंग क्या है दुकान की? सुबह 7 बजे मिलती है, रात को 12 बजे 11 बजे बंद हो जाती है। और गुलाब जामुन सुबह से स्टार्ट है अपने? हाँ सुबह मॉर्निंग से। और दूध भी? दूध या इवनिंग में लगाते दूध? दूध
दूध शाम को ही मिलता है। कच्चा दूध सुबह से शाम तक बिकता है। अच्छा, कच्चा दूध अलग सेल होता है, बाकी मार्केट के दूध से अलग है वो? वो अलग। चलो भाई शुक्रिया। और ये बाकी इनकी मिठाइयाँ हो ही गई। सही है, जी ठीक है। तो अभी ये दो तीन आउटलेट है, पहले एक ही आउटलेट था मौलाना हलवाई का 2015 के या 14-15 के आसपास। तो अभी मतलब तो अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाह रहा था खान साहब, जो 2014 के आसपास एक आउटलेट ही था मौलाना हलवाई का, 2014 के आसपास एक ही शॉप थी, तीन ही थे तब भी। अच्छा, तो मैं इस पर विज़िट की होगी मैंने उस टाइम। अच्छा एक, तो मतलब टेस्ट सबका सेम है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसका अच्छा है उसका बराबर है, साथ बनाने का तरीका भी सेम ही है बस। चलो ठीक है, माशाल्लाह ठीक है। अपनी टाइमिंग रात के 12 बजे। आपका गुड नेम? इरफान साहब। जो मोस्ट सेलेबल है, बड़ा साइज़ का, बिग साइज़ का गुलाब जामुन, वैसे तो पहले मैंने खा रखा है 2014 या 15 के आसपास। गर्म है पूरा और मुँह में जाते घुल रहा है, सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि बड़ा साइज़ का है तो पका हुआ नहीं है, पूरा पका हुआ है। यही एक मेन रीज़न है कि इनका जो ये मोस्ट सेलेबल है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन के लिए तो पहले से कहता आ रहा हूँ, मौलाना हलवाई से बेस्ट पूरे जयपुर में कोई नहीं है, और बाकी मिठाइयाँ भी इनकी टेस्ट करें, पर गुलाब जामुन का तो जवाब नहीं है भाई। जब भी आए मौलाना हलवाई का गुलाब जामुन तो टेस्ट करके जाए बस। वालेकुम, ये एमएम खान है, जयपुर का सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस आउटलेट नॉन वेज के लिए। ये इसके बाहर बाइकों की खड़ी लंबी लाइनें, और ये भैया देगे लगी हुई है हलीम की देगे, और कबाब, शेरमाल रोटी, और ये एमएम खान की दो ब्रांच पास पास ही बनी हुई है एमएम खान की। बढ़िया शानदार आउटलेट ये एमएम खान की बिरयानी हम लेते हुए, जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट नॉन वेज होटल में से एक है एमएम खान फ्रेंचाइजी, जिनके 4 से 5 आउटलेट है पूरे जयपुर में। ये इनके डेग लगा हुआ है बिरयानी का, उसके बराबर में हलीम का, और बाकी चिकन रोस्टेड वगैरह ये पीछे लगे हुए हैं पूरा पैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिरयानी लग गई और अब ये पैकिंग के अंदर हमारा जा रहा है भाई। तो ये पैक हो गया एमएम खान, ये भाई बिरयानी हमें मिल गई बिरयानी। ये एमएम खान होटल रामगंज के एमएम खान, ये बिरयानी की देग, और ये एक सेकेंड, ये माशाल्लाह इनकी हलीम की देग है। वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट सेलेबल जो नॉनवेज आइटम्स होते हैं एमएम खान के, 4 से 5 आउटलेट होंगे पूरे जयपुर में। क्यों बड़े भाई, 4 से 5 आउटलेट है, ज़्यादा है 4 से 5 आउटलेट है। सबसे पुराना आउटलेट अपना एमएम खान का जो स्टार्टिंग आउटलेट है यही है, जो शुरुआत हुई थी। ये कब स्टार्ट हुआ था एमएम खान, आइडिया तो? कौन से सन में हो गया था चालू अपना? का ये पहला आउटलेट है, उसके बाद में 4 से 5 आउटलेट इनके पूरे जयपुर में फैल चुके हैं। ये सारे इनके ही आउटलेट्स हैं एमएम खान के माशाल्लाह। और चंगेज़ी बिरयानी और रोस्टेड इनका माना हुआ है, और ये अभी रमज़ान स्पेशल कबाब वगैरह, शीरमाल रोटी सब लगा हुआ है मार्केट में। लग रहा है हेवन में आया हुआ हूँ, ये शीरमाल रोटी रखी हुई है, नॉन वेज लगा हुआ है भाई, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। लोग कहते दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है नॉन वेज में, आप जयपुर के अंदर का भी स्ट्रीट फूड खा के देखो। और ये सारे सब भाई अपने लगे हुए हैं, रोस्टेड लाला, किसके रोस्टेड लाला, ये शीरमाल रोटी लगी हुई है माशाल्लाह। जी बड़े भाई, एक पीस कैसे? 50 रुपये का, 50 का, 30 का, 20 का। सही है, बादाम वाली है ड्राई फ्रूट में, वाह, ये भी है 50 का, रमजान का स्पेशल है ये शीरमाल, शीरमाल जी। और ये ऊपर जो, ये भी शीरमाल है, ये दूसरे हैं पर वो देसी घी के अंदर, ड्राई फ्रूट। चलो ये मतलब कितने दिन चल जाता है अगर लेके जाके रखे दो? 4 दिन 5 दिन आप आराम से खा सकते हो, खराब नहीं होगा। चलो भाई शुक्रिया, चलो बढ़िया है, बढ़िया।
शीरमा रोटी है, 4 से 5 दिन की इसकी वैलिडिटी है, देसी घी का बना हुआ है, एमएम खान होटल। चलो, और ये पूरा मार्केट का लास्ट व्यू है शीरमा रोटी का। अब ये शीरमा लेते हुए शीरमा रोटी घर के लिए इंशाल्लाह, बस ये शीरमा रोटी आ गई और बस अब लेंगे और निकलेंगे घर के लिए। अब टूर ख़त्म करते हैं, अब चलेंगे दिल्ली इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाउन दिल्ली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय जयपुर। अब यह एग्जिट का टाइम आ गया है, इफ्तार मार्केट पूरा देख लिया है, अभी वापस हम जा रहे हैं जादूपुरा लगभग।